आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम सुरक्षा सेंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले की रिपोर्ट पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक, मंच पर छुरा लेकर पहुंचे शख्स, मचा हड़कंप। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या हुई कम, नैनीताल में घटे 42,000 मतदाता, 158,000 युवा पहली बार डालेंगे वोट। भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, पीएम आज स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में 7 महीने के बाद कोरोना के 630 नए मामले आए सामने, संक्रमण दर भी बढ़ी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक शख्स छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़ा और उससे छुरा छीना, इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर चाकू लहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर इमली से है, जहां पिरान कलियर में इमली खेड़ा में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। जो व्यक्ति कांग्रेस में वहीं बीजेपी में शामिल होकर सत्ता हासिल कर लेते हैं, चुनाव के समय आपके पास सब आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद आपको कोई नहीं पूछता है। आप सब लोग बसपा को मजबूत करने के ये सुरेंद्र सैनी को जिताकर भेजे और जो लोग आपके हक की आवाज उठाएं। सम्मेलन हुआ है जिसमें सर्व समाज के लोगों ने यहाँ पर भारी समर्थन किया है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो अपना जो प्रत्याशी सुरेंद्र सैनी को मान्य बहन जी का आशीर्वाद यहाँ पर मिला है, उसके समर्थन में अपार जन समूह यहाँ पर देखने को मिला है। आगामी 2022 चुनाव में क्या तैयारी है आपकी? निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों को लेकर पूरी तैयारी में है और जैसे चुनाव की घोषणा होगी बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में आकर के उत्तराखंड प्रदेश में, चूँकि यहाँ की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से निजात पाना चाहती है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और 7 महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक 630 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,425 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को 16,214 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 12 जिलों में 630 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा देहरादून जिले में 268 संक्रमित मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में 8, चमोली में 5, टिहरी और पिथौरागढ़ में 4-4, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला है। रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया मामला नहीं मिला है। 1 सप्ताह के भीतर संक्रमण दर 4% के करीब पहुंच गई है। उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने भी महामारी का फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। कोविड की 2 डोज लगा चुके 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधु ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
खबर बाजपुर से है, जहां 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि के मामले में फिर से रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार ने रोक दिया है, जिससे क्षेत्र के किसान मजदूर व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन और संघर्ष और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने किसानों के भूमि धरी अधिकारियों को बहाल किया है, लेकिन सूद परिवार के संबंध में न्यायालय द्वारा आए एक आदेश के मद्देनजर जमीनों की रजिस्ट्री पर फिर रोक लगा दी गई है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले को लेकर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने आज उपजिलाधिकारी बाजपुर से मिलकर एतराज जताया है, कहा है कि किसानों मजदूरों को अनावश्यक परेशान किया गया तो मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। संबंधित बातचीत का मामला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी इसमें हस्तगत आदेश 13 दिसंबर को दिया गया है और अगली डेट लगाई गई है फरवरी में। तो चूँकि इस समय प्रायः प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और इसी से संबंधित तो दूसरा प्रकरण जो है जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। तो आज किसानों द्वारा, किसान संगठनों द्वारा हमें अवगत कराया गया कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वो रजिस्ट्री कराने गए थे, सब रजिस्ट्री नहीं हुई और सब रजिस्ट्रार ने ये कहा कि चूँकि इसमें हस्तगत आदेश है इसलिए रजिस्ट्री नहीं कर रहे। तो मेरी सब रजिस्ट्रार से संपर्क करने की कोशिश की गई, वो अभी शायद मीटिंग में गए हैं इसी संबंध में और अपने उच्च अधिकारी से विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें अभी अभी किसी ने लिखित में हमें कुछ शिकायत नहीं दी है, जैसे लिखित में शिकायत देते हैं। 20 गांव का प्रकरण चल रहा था, जो लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसमें इन्वॉल्व होकर के जो हल किया था, जिससे कि किसानों की रजिस्ट्री प्रारंभ हो गई थी उसकी, तो आज फिर बाजपुर रजिस्ट्रार ने उसको रोक दिया है, ये कहते हुए कि कोई आदेश हाईकोर्ट का है और उसको मद्देनजर, जबकि वो आदेश इन भूमि के संबंध में नहीं है, जो DM ने आदेश किया था उसी के संबंध में आज हम उपजिलाधिकारी बाजपुर। खबर चंपावत से है, जहां SBI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने देवीधुरा के ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 13 समूहों की 40 महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बुनाई सिलाई कढ़ाई समेत हस्तकला शामिल है, जो 21 दिन तक चलेगा, जिसमें गरीब और बेरोजगार महिलाएं शामिल होंगी। वहीं पेकेंट्री दीपक जोशी ने बताया कि हम स्वरोजगार के विषय में कई प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर टेक्निकल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। RCT चंपावत में फैकल्टी पद पर कार्यरत हूँ और हमारा जो संस्थान का मेन उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, जो BPL हैं, उनको हम स्वरोजगार के विषय में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कई तरह की होते हैं, जैसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के जैसे टेक्निकल भी हम सिखाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर है, सिलाई है और उसके साथ मोटर रिवाइंडिंग का भी है, इलेक्ट्रिक वायरिंग का भी है और तरह तरह की जो रिक्वायरमेंट है लोगों के क्षेत्र में, उससे संसाधन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कोई कुछ करना चाहते हैं। NRM स्वयं सहायता समूह के है और जिला उद्योग से, तो अभी जो आज का जो कार्यक्रम था वो जिला उद्योग से संचालित हो रहा है, वो हम प्रायोजित उनसे हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी मिले हैं। उसके साथ ही 21 दिन की EDP भी हम कराएंगे, उसमें जैसे क्रोशेट का है, बिनाई का है। खबर मसूरी से है, जहां भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब की चन्नी सरकार का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उससे ये साबित होता है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसकी निंदा भाजपा ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। रुक करते अगली खबर की तरफ। अगली खबर कलियर से है, जहां लगातार दूसरे दिन भी ड्रग्स विभाग और विजिलेंस FDA की टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है, जबकि एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। इस दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 दुकानों के सैंपल लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है। निरीक्षण किया गया है 5-6 मेडिकल स्टोर का, उसमें एक संदिग्ध मेडिकल स्टोर था जिसपे जो है साइन बोर्ड नहीं मिला था, उसको संपर्क किया गया और बार बार बुलाने पर भी मौके पर नहीं आया, उसकी दुकान फिलहाल जो है अग्रिम कार्यवाही के लिए सील कर दी।
तो जनप्रतिनिधि का आरोप लग रहा है कि उसने अगर हाँ किया था, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया गया था ऐसा, लेकिन अभी देखते हैं अग्रिम कार्रवाई करके। कलियर में मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग और विजिलेंस एफडीए देहरादून की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 मेडिकल स्टोर से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। एक मेडिकल की दुकान पर क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल को सील कर दिया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 दुकानों के सैंपल लिए गए हैं। सभी को जांच के लिए भिजवा दिया जाएगा और एक दुकान के क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई की है और एक संदिग्ध दुकान को सील किया गया है। किया गया है 5-6 मेडिकल स्टोर्स का, उसमें एक संदिग्ध मेडिकल स्टोर था जिसपे जो है साइन बोर्ड नहीं मिला था, उसको संपर्क किया गया और बार बार बुलाने पर भी मौके पर नहीं आया, उसकी दुकान फिलहाल जो है अग्रिम कार्यवाही के लिए सील कर दी। तो जनप्रतिनिधि का आरोप लग रहा है कि उसने अगर हाँ किया था, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया गया था ऐसा, लेकिन अभी देखते हैं अभी अग्रिम कार्यवाही करके तो जानकारी आगे भी जाएंगे। बिल्कुल कालाडूंगी में कोटादून खेल और सांस्कृतिक उत्थान समिति की ओर से उत्तरायणी कौतिक 2022 का शुभारंभ किया गया है। साल 6वीं बार उत्तरायण कौतिक आयोजन किया गया। खास बात यह है कि उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कनिष्ठ प्रमुख कोटाबाग कुलदीप तड़ियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर कुलदीप तड़ियाल ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक महोत्सव बेहद जरूरी हैं ताकि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को एक मंच दिया जा सके। आज उत्तरायणी कौतिक 2022 का शुभारंभ रामलीला मैदान झूला बाजार आमलाकोट कोटाबाग में किया गया है। कोटादून खेल एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति का इस कार्यक्रम को कराने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं बच्चों के बीच में तो उन्हें भी एक मंच प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ हमारा ये कार्यक्रम 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें हर रोज हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।